हेलो नमस्कार दोस्तों, मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, ये जो पेड़ देख रहे हैं इनकी एज 1 साल 4 महीने है। और भाई इसमें गन्ना शुरू में काट दिया था, अब इसमें ढांचा बो रखा और इधर बाजड़ा। तो आज खेत में खाद डाल दे। आप ये देखो किसान भाई खाद क्या क्या डाल दे। ये इन्होंने दूसरी डोज डाल दे, पहले इन्होंने DAP पोटास और यूरिया डाला था, इस बार ये डाल दे। आपका माइक्रो राजा है देखो, धनुका कंपनी का, और ये रिजेंट है वोल्टास का, और कैल्शियम क्लोराइड। और इधर कुछ पेड़ में हल्की सी दिक्कत आ रही तो एक क्रिस्टल का फ्लोरोडान भी डाल दे। ये देखो आप देख सकते हो इसे अच्छे से, देखो फ्लोरोडान। देखो कीटनाशक दवाई डालनी चाहिए पॉपुलर के पेड़ में भी, क्योंकि अब ऐसी कोई फसल नहीं है जिसमें बीमारी ना आ रही हो। हर एक फसल में बीमारी बढ़ती जा रही, तो आप रिजेंट या फ्लोरोडान या कोई भी दवाई कीटनाशक जरूर डाल लो। और देखो ये किसान भाई यूरिया है, यूरिया के साथ देखो पोटास का बहुत बड़ा अहम रोल है किसी भी फसल में। ये देखो ये पोटास मिला रहे, बायो पोटास है ये देखो ब्लैक कलर का, देखो आज पूरा मिश्रण होके इस खेत में डलेगा। तो मैं आपको बताऊं, अगर 1 एकड़ की डोज बताऊं तो करीब आपको 1 बैग यूरिया, 1 बायोपोटास का ये 50 किलो का कट्टा है ये डाल सकते हैं, 1 माइक्रो राजा, ये जो माइक्रो राजा है धनुका कंपनी का ये 4 किलो का है, तो ये करीब 1 एकड़ में आप डाल सकते हो। और भाई आप ये रिजेंट है, रिजेंट भी आप 4 kg 1 एकड़ में डाल सकते हो। और ये कैलाश के कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड का काम है पौधे को हरा करना, पौधे को भूख के लिए उकसाना, पौधा बहुत तेज़ी से खुराक लेता है कैल्शियम क्लोराइड डालने के बाद। आप इसमें कैल्शियम नाइट्रेट भी डाल सकते हैं, उसमें भी कैल्शियम क्लोराइड होता है। और किसान भाइयों फ्लोरोडान अगर आप डालते हैं तो पेड़ को ये मान के चलो एक तरह का कड़वा कर देती है, जहर होता है बहुत ख़तरनाक जहर है ये, अगर आप पेड़ में डालते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक तो बीमारी कम आती है और पेड़ पे हरापन भी आता है। और ये इन सभी चीज़ों का मिश्रण कर रहे हैं, देखो हमारे प्रवीण भाई रिजेंट को मिलाओगे इसमें, माइक्रो राजा को मिलाएंगे। माइक्रो राजा का काम है किसान भाइयों जड़ों का फलाव कराना, अपने पास भोजन को ग्रहण कराना पौधे को, इसके सूक्ष्म पोषक तत्व सर में फैल जाते हैं जिससे बहुत तेज़ी से पौधा खुराक लेता है। ये एक तरह की सूक्ष्म फंगस है जो अपने आप पौधे को भूखा करती है, और जो ये फर्टिलाइजर आप डाल रहे हो सबको पौधे को ग्रहण करने के लिए प्रदान करेगी। देखो ये माइक्रो राजा होता है, ये देखो ऐसे ब्लैक कलर का होता है आप देख सकते हो, देखो इन्हें सभी चीज़ों को मिला के आप खेत में पपेट भी सकते हैं। अगर आपके खेत में फसल है तो आप पपेट सकते हैं। देखो मैं आपको इनका मॉडल दिखाऊं, इसमें तो इन्होंने 1 साल 4 महीने के पेड़ हैं, इसमें तो थोड़ा सा गन्ना रख रखा देखो, और इसमें इन्होंने पशुओं के लिए बाजड़ा बो दिया था। ये देखो बहुत अच्छे पेड़ चल रहे, 109 वैरायटी के पेड़ हैं देखो किसान भाइयों। अगर ये 2 साल इसमें गन्ना रखते तो पेड़ और भी शानदार हो जाते मेरे भाई, देखो कितने अच्छे पेड़ चल रहे, 1 साल 4 महीने के पेड़ हैं देखो कितना शानदार पेड़ चल रहा। इसकी गोलाई गले करीब 15-16 इंच गोलाई है देखो किसान भाइयों, और पशुओं के लिए चारा भी बहुत अच्छा खड़ा देखो। और एक इन्होंने मॉडल बना रखा पौधे को खुद ही खाद डालने का, उसमें इन्होंने ढांचा और फंडी बो रखी देखो 1 साल के पौधे में, ये भी पौधे को अपने आप ही खुराक देगी देखो, ये ढांचा है देखो। जो किसान भाई धान बोने से करना, वो क्या नाम है, चना बोने से पहले खेत में खेत की खाद हरी खाद के रूप में उपयोग करते हैं, ये वो ढांचा है किसान भाई। देखो इन्होंने एक अलग ही मॉडल अपना रखा है।
तो किसान भाई कहते हैं कि पोपर में फसल नहीं होती है, बहुत अच्छी दूरी पे पेड़ लगे हुए हैं, 17x10 की दूरी है ये देखो। और ये इधर इन्होंने पशुओं के लिए अपना कंची वाला बायोडाइव वो रखा है, ये इसमें बहुत बेहतरीन होता है। जो छोटे किसान हैं वो 1 साल या 2 साल के बाद कंची का बायोडा बो सकते हैं और अपने पशुओं का हरे का काम भाई कर सकते हैं। देखो तो किसान भाइयों, मैंने आपको 1 साल 4 महीने के पेड़ दिखा दिए और उसमें 3 फसल भी दिखाई, एक में ढांचा बो रखा है, एक में गन्ना है और एक में पशुओं के लिए बाजरा बो रखा है। जो ये हम खाद डाल रहे हैं इसका असर पेड़ में कम से कम 1 साल में 3 बार खाद डालना चाहिए, क्योंकि देखो पौधा भी एक फसल है, जब आप फसल को खाद दोगे जब भी वो फले फूलेगी और वो जल्दी तैयार होगी। पौधे को ये ना सोचो कि पेड़ लगा के भूल जाओ, उसे आप 3 से 4 साल में तैयार करने की कोशिश करो, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पेड़ जल्दी तैयार होगा। किसान भाइयों देखो ये इन्होंने ये मिश्रण बना दिया और आज हम आपको दिखाएंगे कैसे गिरते हैं कैसे नहीं। देखो ये कैल्शियम क्लोराइड गिरा भाई इन्होंने वाइट कलर का, देखो ये माइक्रो राजा है, देखो सभी का मिश्रण बना लिया और अब इसमें हाथ निकाल के ये पूरे पौधों में डालते हैं किसान भाइयों। इन्होंने अपने खेत में ही पाइपलाइन करवा रखी है, देखो भाई ये पाइपलाइन हो रही है। इधर मैं आपको एक बार पौधे और दिखा दूँ, ये देखो 109 वैरायटी की आप थोड़ी पहचान देख लो और ग्रोथ देखो भाई, 1 साल 4 महीने का पौधा है, देखो कितनी शानदार ग्रोथ है और कोई भी डैनी कोई झंगाई नहीं कर रखी देखो किसी तरह की। तो मैं किसान भाइयों आपको एक बार फिर खाद एक बार और दिखा दूँ, मैं ये नहीं कहता आपको यही खाद डालना। एक तो देखो किसान भाइयों क्रिस्टल की फोलोडॉन होती है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है किसान भाइयों, कीटनाशक होती है। एक ये आपका कैल्शियम क्लोराइड कैलाश का, ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो देखो। एक ये आपके माइक्रो राजा आती है धानों का की, ये भी आप किसी अच्छी कंपनी की ले सकते हो, ये भी अच्छी कंपनी है धानों का, आपके पौधे में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आप इसे डालते हैं, क्योंकि अब हम डाल रहे हैं इसके बाद भी हम वीडियो बनाएंगे। देखो ये मिश्रण चल रहा, सारी चीज़ों का मिश्रण होने के बाद पेड़ में डालते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे पेड़ में खाद डाला जाता है। बहुत किसानों का ये आ रहा था कि भाई खाद क्या डाल ले क्या खाद डाल ले, तो देखो ये किसान भाई जो आपको मैंने इसमें कीटनाशक भी होगी, ग्रोथ के लिए मोटाई के लिए पोटास भी हो गया, आपका कैल्शियम क्लोराइड हो गया और माइक्रो राजा जड़ों को विकास करने के लिए भूखा करने के लिए और भोजन को अपनी ओर खींचने के लिए हो गया, ये सभी तत्व हो गए। डिजाइन भी इन्होंने मिलाया थोड़ा देखो, और अब कैसे खाद डाल लेंगे इसके ऊपर अभी आपको हम दिखाएंगे मिश्रण करने के बाद। देखो किसान भाई ऐसे खाद डाल दो आप पेड़ के लगभग 3-4 फीट के आसपास खाद डाल दो। देखो आज परिण भाई इसमें और डाल को दिखा दे किसान भाई को, देखो भाई जैसे ये पेड़ होगा पेड़ के 3-4 फीट के आसपास डाल दे, इससे आपका खाद भी कम लगेगा और पेड़ ग्रहण भी कर लेगा। देखो भाई ऐसे आप एक एक डेढ़ डेढ़ मुट्ठी आप पेड़ के चारों तरफ घेर सकते हो और अपने में खेत में पानी खोल दो। देखो क्योंकि फसल में पहले घेर दिया था, अब तो खाली पेड़ के लिए ये खाद डाल रहे हैं। देखो कैसी जानकारी लगी कमेंट करके जरूर बताओ किसान भाइयों, धन्यवाद।